मुंह खोल के अटैक करो अभी बाइट वाला बाइट नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरे सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें जौनपुर जिले के खुशमी जरासी गांव से आया है। यहां पर घर के अंदर कोई सांप देखा गया, ऐसे में हमें जैसे ही सूचना मिली हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। कपड़ा लाइए, नीचे बैठे आ ना। नहीं बैठे हम साहब बोलेंगे एक घंटा और फिर इंतजार कीजिए, हम लोग एक घंटा इसी जगह बैठे ही थे। पाँच इंच कपड़ा लाइए, खराब कपड़ा। खराब कपड़ा देता है वो, गमछा देता है नहीं, उसको बाद में निकाल लीजिएगा आप लोग। कोई भी हो दो तीन दीजिए, ये लीजिए नीचे। मनाओ थे लेकिन निकल जा। मना रहे थे हाँ? कब से? अरे हम इतनी तब्बत से मनाओ थे लग भोले जहाँ तुम सर पर प्रघट रहा उनकर पुजारी है। अच्छा, हाँ लेकिन अब ना सुनत हूँ हम तो बोल रहे हैं। हाँ बात आपकी समझ नहीं पाएगा, पहले तो सुन नहीं पाएगा, बहुत कम सुनने की क्षमता होती है, दूसरी आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। तो आप इनके चक्कर में ना रहिए कि आपकी बात को ये मानेंगे। वही से नाम मल्ले के आपके नहीं मारे। अरे अच्छा सर, आपका वीडियो देख देख के उन लोगों को मानना है कि दिल नहीं करता है ना। नहीं बहुत बढ़िया करते हैं, बढ़िया करते हैं। चलिए अगर हमारा वीडियो देख के आपको मानने नहीं मन करता तो मतलब हमारा प्रयास सफल जा रहा है। बराबर देखते हैं, चलिए हमारा प्रयास सफल जा रहा है इसका मतलब। इसको बाद में निकाल लीजिएगा। ठीक सांप सुना, सांप को सुनाई नहीं देता बाबू, सांप जन्म जात बहरे होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, सुनने की क्षमता बहुत कम होती है। फिर भाई एहसास नहीं, सुनने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जब ये अपनी जीभ निकाल रहे होते हैं तब सुन रहे होते हैं आसपास की चीजें। इनके पास बाहरी कान नहीं होता है, इंटरनल कान होता है जो कि जीभ से कनेक्टेड होता है। साइज काफी बड़ी इसकी। स्टिक से क्या बड़ी है? हाँ स्टिक बाहर निकल गया कि भागे हड्डिया पत्र बाहर है बा चला। और फिलहाल जो सांप है उसको सफलतापूर्वक सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी हम लोग उसको बाहर की तरफ लेके चलेंगे और इसके बारे में
यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ जानकारी देंगे, उसके बाद इसे इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। दांत अंदर लगा नहीं इसका? नहीं नहीं, दांत नहीं मेरा, इतना भी नहीं छोड़ दिया। काफी ज्यादा भी नहीं छोड़ा। मुँह खोल के अटैक करो अभी, बाइट वाला इस सांप के साथ छेड़छाड़ करना इसे कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसे में ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और आप लोगों ने देखा किस तरह से इसने काफी खतरनाक ढंग से बाइट किया और काफी देर तक बाइट किया और इसने वेनम इंजेक्ट किया। अगर ऐसे में इसका जो दांत था वो शरीर के किसी हिस्से पर लगता तो हमें डेफिनेटली हॉस्पिटल ही जाना पड़ता, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता अपनी जान बचाने के लिए। काफी ज्यादा गुस्से में होने के कारण ये सांप बैग में जाने में भी थोड़ा वक्त ले रहा है, लेकिन हम लोग इसके साथ कोई भी जल्दबाजी या फिर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम लोग इसको पूरा पूरा वक्त देंगे ताकि ये खुद ब खुद बैग के अंदर जाए। इसके सिर को पकड़ना या फिर इसके साथ जबरदस्ती करना हमारे लिए आखिरी विकल्प होता है। पहले हम लोग प्रयास करते हैं इसके सिर को बिना पकड़े इसे हम लोग बैग के अंदर रख ले, क्योंकि जब भी हम सांपों के सिर को पकड़ते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे में सांपों के लिए भी अच्छा नहीं होता है और जो उसको रेस्क्यू कर रहा होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। खुराक के लिए ना, हमने बस इनको ले जाके तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ऐसे जगह पे छोड़ा जाएगा जहाँ ये रहें। हम लोग का ऑफिस वगैरह कुछ नहीं हमेशा रन करते हैं, ऑफिस में बैठेंगे तो काम कैसे? कांटेक्ट करना है तो आप यूट्यूब या गूगल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, गुड्डू मोरया सर मित्र सर्च करेंगे वहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप हमें कॉल करिए अगर किसी कारण से कॉल नहीं लगता, जब मतलब हम लोग सांप पकड़ रहे होते हैं तो हम लोग का फोन बंद रहता है, अगर कॉल नहीं लगता तो अपनी सारी प्रॉब्लम हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपसे वापस कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ हाँ हमेशा 84 जौनपुर जिला पड़ता है ना जी, बाबा नंबर है सबके पास, नंबर है तभी भैया फोन किया ना, नंबर है सबके पास। हाँ छोटे छोटे बच्चों को बोलेंगे कि YouTube से गुड्डू मोरया का नंबर निकाल दो, सब निकाल देंगे, Google YouTube पे नंबर अवेलेबल रहता है। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा जंगल है, ऐसे में ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और उन्हें बाकी की जिंदगी जी पाएगा। इधर इंसानों का आना आना बहुत कम होता है जिससे कि सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और इंसान भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।